एवरीवन, मैं सीमा शर्मा, वेलकम बैक। आज मैं फिर से पार्टी वेयर साड़ियों का कलेक्शन लेके आई हूँ। और ये जो मैंने साड़ी ली है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, बहुत ही अच्छी साड़ी है। एंड फैब्रिक एंड इसकी पिक की बात करें तो जो मैं पिक मैं इंस्टाग्राम पर शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ पर मैं लेटेस्ट जो साड़ियों की पिक्स है वो शेयर करती हूँ, रील शेयर करती हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। पार्टी वेयर साड़ियाँ जो मैंने ली हैं, इनकी डिटेल आज मैं शेयर करूँगी और बताऊँगी कि आपको किस तरीके का इसमें फैब्रिक मिल जाता है, कैसा ब्लाउज मिलता है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी साड़ियों के रिव्यू शेयर किए हैं, फैब्रिक शेयर करती हूँ, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट मेरी फर्स्ट साड़ी आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके की पैकिंग में आई थी। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। इस तरीके की साड़ी मैंने ली है, पार्टी वियर साड़ी है, काफ़ी आजकल ट्रेंड में भी है और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए और इसकी ड्रैपिंग जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। पर ये साड़ी जो मैंने ली है, काफ़ी लोगों को मैंने पिक्स जो शेयर की हैं तभी लोगों को पसंद आ रही है। इसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, जिससे आपको लेने में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस तरीके की साड़ी है और इस तरीके का ब्लाउज मिलता है। पहले मैं आपको ब्लाउज की डिटेल शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर जो आपको ब्लाउज मिलता है कुछ इस तरीके से है। साड़ी का जो कलर है वो मल्टी कलर है और मल्टी कलर में जो बॉर्डर यूज किया गया है साड़ी में, वही बॉर्डर यहाँ पर आपको ब्लाउज में मिल जाता है। एंड यहाँ पर आप फैब्रिक देख रहे हैं, ब्लाउज का डोला सिल्क है, सिल्क टाइप है, इसमें थोड़ा शाइन भी है। एंड यहाँ पर इसका जो फैब्रिक आपको मिल जाता है 1 मीटर ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का फैब्रिक मिलता है। और ब्लैक जो ब्लाउज होते हैं काफ़ी साड़ियों के साथ मिक्स मैच भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये साड़ी का आपको ब्लाउज मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको जो ब्लाउज में बॉर्डर है वो मिल जाता है। बॉर्डर में आपको सीक्वेंस वर्क मिलता है, बारीकी के साथ सीक्वेंस वर्क किया गया है यहाँ देखिए। और ज़्यादा सीक्वेंस इसमें यूज़ नहीं किए हैं, काफ़ी कम सीक्वेंस यूज़ किए हैं, बट वो बारीक बारीक है। इसकी डिटेलिंग आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एंड यहाँ पर ट्राई ऑन में मैंने पहनी हुई है साड़ी, तो देखने में आपको पता चल रहा होगा किस तरीके से लगने वाली है। तो ये तो हो गई ब्लाउज की डिटेलिंग। इसके बाद मैं साड़ी की डिटेलिंग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। साड़ी आपको मिलती है जॉर्जेट की एंड वो मल्टी कलर की आपको साड़ी मिल जाती है। इसमें बहुत सारे कलर हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। और ये बॉलीवुड साड़ी है जो काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। एंड इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ और इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। और जो साड़ी है थोड़ा सा इसमें वेट भी है, यानी हल्की फुल्की नहीं है, बट ये पार्टी वेयर साड़ी है, तो पार्टी वेयर जो साड़ियाँ होती हैं कुछ इसी तरीके से होती हैं। बट इसमें जो लेस यूज़ की गई है वो मोती है, यहाँ पर्ल लेस यूज़ की गई है, ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है एंड ब्लैक लेस यूज़ की गई है। इसी कारण ये साड़ी का जो वेट है थोड़ा सा हैवी है, बट ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके की साड़ी आपको मिल जाती है। और ये साड़ी का पल्लू है, पल्लू में आपको ब्लैक कलर का यहाँ पर लेस मिल जाती है, मोती वर्क है इसमें और पूरे पल्लू में आपको मिल जाता है इस तरीके से। ये देखिए, यही आपकी साड़ी की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, इसमें बारीकी सीक्वेंस वर्क किए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बारीक सीक्वेंस वर्क किया गया है। बहुत सारे कलर हैं, आपके पास जो भी ब्लाउज अवेलेबल हो इंस्टेंट आप पहन सकते हो, मिक्स अप मैच करके इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास पहले से ब्लैक ब्लाउज मैंने स्टिच किया हुआ है, जो मैं काफ़ी साड़ियों के साथ इसको पेयर अप कर लेती हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप ब्लाउज भी स्टिच करके रख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल ओवर साड़ी में आपको कुछ इसी तरीके से लेस मिलने वाली है, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, ये आपको पल्लू में मिल जाता है, ये आपका अपर पार्ट है यहाँ पर इस तरीके से। और यही वाला जो बॉर्डर है, ये वाला जो प्रिंट बॉर्डर है, यही आपको ब्लाउज में भी मिलता है। आप उस बॉर्डर को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, स्लीव्स में यूज़ कर सकते हैं, बैक में यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट में यूज़ कर सकते हैं, या उसको आप डिज़ाइन करवा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से अपर आपको इस तरीके से जहाँ प्लीटिंग आती है, राउंड आता है, वो पार्ट यहाँ पर लेस नहीं लगी हुई है। एंड नीचे आपको लेस आपको फैब्रिक मिल जाता है। एंड इसके बाद से जहाँ से आपकी फर्स्ट प्लीटिंग स्टार्ट होती है, वहाँ से आपको इस तरीके की लेस स्टार्ट है नीचे की तरफ,
तो ये देखने में काफी खूबसूरत लग रही है। ट्राई ऑन में आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये साड़ी किस तरीके से लगने वाली है। और तो और ये पूरी साड़ी में आपको इस तरीके की छोटी छोटी सीक्वेंस आपको वर्क मिल जाते हैं। फैब्रिक इसका जॉर्जेट है और इस तरीके से जो थ्रेड है सिल्क थ्रेड इसमें यूज किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिल्क थ्रेड इसमें बीच बीच में यूज किए गए हैं जो आपकी साड़ी की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। एंड यहाँ पर लेस है। तो इस तरीके की साड़ी अगर आप लेना चाहते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से ये मैंने साड़ी ली है आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर दें, आपको मैं बता दूंगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पल्लू मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, पार्टी वेयर साड़ी है। एंड सेकंड साड़ी की बात करें तो सेकंड साड़ी भी मेरी बहुत ही अच्छी है। मतलब इसकी तो मैंने काफ़ी अच्छे शूट भी करवाए हैं और इस साड़ी के भी मैंने शूट किए थे, वो इंस्टाग्राम पर मैंने शेयर कर दिए हैं। और ये नेक्स्ट साड़ी मेरी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका कलर सी ग्रीन है इस तरीके से। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये साड़ी लगने वाली है, कुछ इस तरीके से है। ये भी बहुत ही खूबसूरत साड़ी है और इस तरीके की साड़ियाँ आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये भी। एंड यहाँ पर मैं ब्लाउज स्टिच कर चुकी हूँ क्योंकि मैं इसका जो है साड़ी वीडियो शूट करनी थी, फोटो शूट करने थे, तो मैं ब्लाउज स्टिच कर चुकी हूँ। इसका ब्लाउज पीस आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, फ्रंट में वर्क मिलता है। ये मैंने फ्रंट पार्ट किया है क्योंकि मैंने बैक हुक वाला ब्लाउज स्टिच किया था। यहाँ पर देखिए इस तरीके से पैड वाला ब्लाउज है और यहाँ पर जो स्लीव्स मैंने बनाई हैं कुछ यहाँ पर नी तक बनाई हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको स्टिच कर सकते हो। ब्लाउज पीस है और इसका जो फैब्रिक है वो भी सिल्क है। बहुत ही खूबसूरत कलर भी है इसमें और लाइट है, लाइट स्काई कलर है। साड़ी और मुझे ब्लाउज की मैचिंग काफ़ी अच्छी लगी, कंट्रास्ट में है। साड़ी का जो है सी ग्रीन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं साड़ी में जो ये लेस यूज की गई है, पतली पाइपिंग दी गई है, वो ब्लाउज के कलर की है। तो ये मैचिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्क किया गया है, फ्रंट में भी आपको इस तरीके से वर्क मिल जाता है। ये जो पार्ट है मैंने फ्रंट में यूज़ किया है, आप चाहे तो बैक में भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये मैंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टिच किया है, यहाँ भी आपको वर्क मिल जाता है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी स्लीव्स रख सकते हो। एंड बैक में मैंने कुछ इस तरीके से हुक वाला है, दो हुक मैंने यूज़ किए हैं और डोरी साथ में इस तरीके से लगाई हुई है। तो इसकी रील वीडियो आपको इंस्टा पर मिलेगी एंड ट्राई ऑन में आप इसका देख सकते हैं किस तरीके का ये ब्लाउज लगता है। और यहाँ पर आप साड़ी की बात करें, साड़ी आपको कुछ इस तरीके से मिल जाती है। इसका जो फैब्रिक है जॉर्जेट सिल्क है, जॉर्जेट सिल्क होने के कारण ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है और बीच बीच में गोल्डन कलर यूज़ किए गए हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। एंड यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, बॉर्डर आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है। सी ग्रीन के साथ साथ आपको जो ब्लाउज का कलर है लाइट स्काई कलर, वो साथ में पाइपिंग यूज़ की गई है, तो साड़ी की खूबसूरती तो ऐसे ही बढ़ गई। एंड यहाँ पर मैं पहले आपको पल्लू दिखा देती हूँ, पल्लू कैसा आपको मिलता है। पल्लू में आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाता है और बॉर्डर की जो फिनिशिंग है आप देख सकते हैं, जो वर्क किया गया है थ्रेड वर्क डोरा वर्क किया गया है इसमें, आप देख रहे हैं बीच में प्रिंट है गोल्डन प्रिंट। एंड यहाँ पर वर्क किया गया है इस तरीके से, जो पल्लू है पल्लू में आपको काफ़ी दूरी तक इस ये बॉर्डर मिल जाता है, अपर में फिटिंग आती है वहाँ तक आपको मिल जाता है बॉर्डर। और उसके बाद से ये प्लेन इस तरीके का फैब्रिक मिलता है विदाउट बॉर्डर इस तरीके से, ठीक है। एंड बॉटम में आपको मिल जाता है इस तरीके से बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा होगा, ये देखिए नीचे की तरफ बॉटम में ये बॉर्डर मिलता है आपको इस तरीके से। पूरी साड़ी में आपको कुछ इसी तरीके से बॉर्डर मिलने वाला है। बॉर्डर की जो एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी ये है। इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और स्टार्टिंग में आपको जो पार्ट मिलता है वो थोड़ा सा विदाउट बॉर्डर मिलता है, फर्स्ट राउंड होता है उसमें कंप्लीट होता है ये वाला फैब्रिक। एंड इसके बाद जो प्लीटिंग होती है उसमें ये वाला फैब्रिक आ जाता है बॉर्डर वाला, जो आपके फर्स्ट प्लीट आती है उसमें ये बॉर्डर आता है।
तो इस तरीके की ये साड़ी है। मैंने अपना रिव्यू तो आपके साथ शेयर कर दिया, ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हो। तो इस तरीके की साड़ी के साथ साथ आप काफ़ी अच्छे लगने वाले हो, कोई फेस्टिवल है, पार्टी है, उसके लिए ये साड़ी आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। मतलब ये साड़ियाँ जो भी मैं लेती हूँ मोस्टली आपके साथ रिव्यू जरूर शेयर करती हूँ। इससे आपको लेने में काफ़ी इजी हो जाता है। आपको अगर आप कुछ ऐसी साड़ी लेना चाहते हैं, मैं पहन के ट्राई ऑन में आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाता है कि ये साड़ी पहनने के बाद कैसी लगने वाली है। काफ़ी साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो आपको देखने में अच्छी नहीं लगती, बट हम किसी के ऊपर देखते हैं, किसी ने पहनी हुई है तो वो ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो इसीलिए मैं ट्राई ऑन में आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये साड़ी कुछ इस तरीके से लगने वाली है पहनने के बाद। तो आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, जिसके लिए भी आपको लेना हो, ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।